नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बनने का प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि स्टॉक का प्राइस उसका मल्टीपल का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद अभी एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है एंड अभी जिस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस उसका मेजर सपोर्ट के आसपास आ जाएगा, एक गुड इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है, तो जो कि आगे हम चार्ट में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे, स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर्स का, इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो देखिये सेल्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, जिसको आप पॉजिटिवली कंसिडर कीजिएगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 69% अबव 50% मार्क है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। एफआई के पास माल है 6.73%, डीआई होल्ड कर रहे 6.94% एंड पब्लिक के पास यहां पे माल है 17.16%, उसमें से बिग इन्वेस्टर यहां पे होल्ड कर रहे 6%, तो 17% माइनस 6%, तो टोटल ओनली 11% यहां पे रिटेल पब्लिक होल्ड कर रहे, जो कि पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं एंड यहां पे तो रिटेल होल्ड कर रहे ओनली 11%, जो कि एक पॉजिटिव साइन। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है मोतीलाल ओसवाल का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस देखिए ईयर 2018 में यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था, उसके बाद देखिए इस ब्लू लाइन को प्राइस जब भी टेस्ट कर रहा था उसी लेवल से प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था एंड बॉटम में देखिए प्राइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था एक कॉन्टिन्यूएशन कॉप एंड हैंडल पैटर्न। ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल, जिसको देखिए प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था। जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे हम डिटेल्स में एनालिसिस किए थे कि स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है एंड ब्रेकआउट के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है एक ट्रिपल आर स्ट्रेटजी, रन रिट्रेस एंड रन। एंड ट्रिपल आर स्ट्रेटजी क्या है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ट्रिपल आर स्ट्रेटजी अभी ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। अगर आगे आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पुल बैक करके 1800 इस लेवल को टेस्ट कर लेगा, ये सबसे बेस्ट लेवल रहेगा फॉर फ्रेश एंट्री। जैसे कि करंट प्राइस चल है 2232 का, करंट लेवल के ऊपर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है नो डाउट होल्ड करना है, लेवल के ऊपर आप एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क वाइड हो जाएगा, उस केस में आपको वेट करना है 1800 के आसपास एंट्री करना है एंड स्टॉप लॉस प्लेस करना है 1380 के नीचे। ये जो स्विंग लो यहां पे बना है 1380 यहां पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर प्राइस पुल बैक करेगा 1800 यहां पे एंट्री कर लेना है। अगर करंट प्राइस के ऊपर आप एंट्री कर रहे हैं ना, यहां पे रिस्क वेरी वाइड बन रहा है। नो डाउट स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन स्ट्रक्चर बुलिश है इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं कि हम किसी भी लेवल में एंट्री कर जाएंगे। आपको एक परफेक्ट लेवल चाहिए जहां पे लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड बनेगा एंड इस लेवल के ऊपर 1800 के ऊपर लो रिस्क बनेगा एंड इसको टेस्ट करने के बाद प्राइस यहां पे फर्दर अपमूव कर सकता है। अगर अभी के लिए हम टारगेट मेजर करेंगे, इसलिए अभी मैं चलता हूं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड यहां पे मैं फिबोनाची एक्सटेंशन को प्लॉट करता हूं, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है। इसका जो लास्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 3468 का। हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो कि फिबो एक्सटेंशन लेवल बन रहा है 2.618 का। देखिए स्ट्रक्चर बुलिश है, स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे सपोर्ट के आसपास से कंसीडर करना है। अगर फ्रेश एंट्री करना है तो पुल बैक का वेट कीजिएगा, लेकिन नो डाउट जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। बेस्ट लेवल फॉर फ्रेश एंट्री 1800 एंड प्रीवियस स्विंग लो के नीचे एग्जिट पॉइंट एंड हमेशा से तो क्वांटिटी मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हम यहाँ पे राशि चार्ट देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल वर्सेस निफ्टी 500 का राशि चार्ट, यहाँ से अभी हमको आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं राशियो चार्ट भी उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद देखिए रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है। तो स्टॉक को आपका रडार में रखिएगा, बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाले टाइम में आ सकता है, लेकिन फ्रेश अपॉर्चुनिटी पुल बैक में ही लेना है, क्योंकि करंट लेवल के ऊपर रिस्क थोड़ा सा हाई बन रहा है फॉर फ्रेश इन्वेस्टर जिनके पास है नो डाउट होल्ड करना है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।